नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं गर्भवती औरतों को क्या खाना चाहिए, उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अधिकतर चीज़ें कौन क्या क्या चीज़ें वो खाएंगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा और उनकी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी और वो रोग मुक्त रहेंगे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना खान पान पर डिपेंड करती है। यदि आपका खाने पीने का तरीका अच्छा है, ठीक है, तो आप बेहतर रहेंगे। लेकिन यदि आपका खाने पीने का तरीका अजीबो गरीब का है, कभी इस टाइम खाते हैं कभी उस टाइम खाते हैं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। शरीर बनने के लिए देखिए, आप टाइमली आप टाइम फिक्स करें कि आप कैसे, यदि आप लड़के हैं तो आप टाइमली खाना खाइए, ठीक है, यानी 4 बजे सुबह में 8 बजे 10 बजे खाते हैं तो 10 ही बजे खाइए, शाम को 7 बजे खाते हैं 8 बजे खाते हैं 10 बजे खाते हैं तो 10 ही बजे खाइए। इससे आपका एक रूटीन बना रहेगा, आपकी बॉडी तेजी के साथ ग्रोथ करेगी। और इसमें समझिए कि हम बोले हैं कि महिलाओं को क्या खाना चाहिए, जो गर्भवती औरतें होती हैं उनको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले है कि उनको 4 घंटे में बार बार भोजन करने की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात कि उनको दाल तो बहुत ज़रूरी है, दाल अंकुरित अनाज, जो आप अनाज चना भिगोते हैं तो जब तक अंकुरित नहीं होता तब तक ना खाएं, अंकुरित हुए अनाज को ही अधिकतर सेवन करें, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। दूध तो अनिवार्य कैल्शियम के लिए, और दूध से बने पदार्थों का सेवन तो बहुत ज़रूरी है, इससे जो बच्चे के अंदर जो बोन्स बनेंगे, आपके अंदर जो कैल्शियम की कमी होगी वो भरपूर रहेगी, ठीक। अंडा और मीट भी शामिल होने चाहिए, ठीक है, यानी आप अंडा भी खाइए मांस भी खाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके रूटीन में प्रोटीन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें और बात करते हैं कि कैल्शियम की आपूर्ति के लिए क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, दूध, पनीर, दही, पालक, सेम, ठीक है, इन सारी चीज़ों का सेवन आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूध, पनीर, दही, पालक, सेम, इन सारी चीज़ों का सेवन आपको बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ का? दूध का, पनीर का, दही का, पालक का, सेम का। देखिए, एक चीज़ और इसमें हम बात करें तो ड्राई फ्रूट में, यानी ड्राई जो फ्रूट होते हैं यानी फल जो होते हैं उनमें आप बादाम ले सकते हैं, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। यदि आप और फलों की बात करें तो सारे फल खाइए, ठीक है, पपीते और अंजीर को छोड़कर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके फल वो में शामिल होने चाहिए, लेकिन वो फल ताज़े होने चाहिए, ताज़े फल का अधिकतर सेवन करिए। और पानी तो बहुत ज़रूरी है, आप पानी बहुत कचर कर पीजिए, यानी बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है, हुमस है, जितना चाहे उतना पीजिए, लेकिन नॉर्मली आप दिन भर में 6 से 8 गिलास तो पानी पी लीजिए, पीना तो ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर टॉक्सिन की वैल्यू, जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो शरीर से बाहर होते रहेंगे, जिससे आपके शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो पानी का तो बहुत ज़रूरी है, तो इन सारी चीज़ों का आपको गर्भवती औरतों को खाना चाहिए, ठीक है। और इस पर कल हम बता देंगे आपको एक और वीडियो में कि गर्भवती औरतों को क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो धन्यवाद।